डीएनएन विशेष सवाल दर सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश अग्निहोत्री। इस वक्त डीएनएन की टीम मौजूद है मध्य प्रदेश विधानसभा में, और हम जिनके सामने बैठे हैं वो है अध्यक्ष की कुर्सी, और उस कुर्सी पर है प्रोटेम स्पीकर पंडित रामेश्वर शर्मा जी। रामेश्वर जी आपका स्वागत है। ये इस कुर्सी के महत्व को कहते हैं कि पंडित रामेश्वर शर्मा ने एक नई पहचान दी है, ये कैसे संभव हुआ है? ये हर कुर्सी की अपना महत्व है, हर कुर्सी की अपनी पहचान है, और सब पर अपना अपना काम की जवाबदेही होती है। कुछ काम करने के अपने अपने तौर तरीके होते हैं, लेकिन हम संवैधानिक व्यवस्था में हैं। कुर्सी तो मध्य प्रदेश की विधानसभा की है, और मध्य प्रदेश की विधानसभा के होने के नाते जो दायित्व और कर्तव्य को पूर्ण करना था उसको जवाबदेही के साथ पूर्ण करने का प्रयत्न किया। इस कुर्सी का जो दायित्व आपको मिला था, तब आप अक्सर हमेशा कहते थे ये कि ये तो दैनिक वेतन भोगी वाली कुर्सी है, परमानेंट नहीं है। अब विधानसभा का सत्र 22 तारीख से शुरू होने जा रहा है, इस कुर्सी पर बैठकर रामेश्वर शर्मा जी क्या सोचते हैं, परमानेंट होने का समय आ गया है या फिर अलविदा इस कुर्सी को और एक नई भूमिका की तलाश में निकल पड़ेंगे? मैं तो प्रोटेम स्पीकर के रूप में चुनाव कराने के लिए आया था, कुछ निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाना था, और चलती ट्रेन में बैठा था। इसी बीच में ट्रेन आउटर पर बहुत दिन तक रुकी रही, और उसके रुकी रहने के कारण जो है ये मानकर चलिए कि इलेक्शन नहीं हो पाया, और कोरोना का संक्रमण रोग लगातार बढ़ता गया, इसके कारण फुल मेजोरिटी में हमारा हाउस स्थापित नहीं हो पाया, इसके कारण हम चुनाव नहीं कर पाए। लेकिन अब 22 तारीख को हम बाकायदा विधिवत चुनाव करेंगे, और जो भी सम्मानित सदस्य या दल जिसको निर्देशित करेगा वो चुनाव लड़ेगा। निर्वाचन कराना मेरी जवाबदारी है, निर्वाचन में करा दूंगा। निर्वाचन करा देंगे। आपने कहा कि आउटर पर खड़ी थी ट्रेन, सिग्नल नहीं मिल रहा था तो रुक गए यहाँ पर, तो अब सिग्नल मिल चुका है क्या? हाँ, 22 तारीख को हमने अधिसूचना जारी की है। मध्य प्रदेश की विधानसभा का सत्र बुलाया जा रहा है, लगभग 23 बैठकों के साथ सत्र का आयोजन हो रहा है, और उस सत्र में प्रथम दिन ही हम विधानसभा स्पीकर का चुनाव कर दें। तो सर, इस छोटे से कार्यकाल को किस तौर पर देखते हैं आप? उपलब्धियां तो खाते में बहुत है जब हम लोग गिनते हैं, लेकिन आप अपने हिसाब से कैसे देखते हैं सर? नहीं, कुछ नहीं, हमारा अपने जो जवाबदेही थी उसको हमने पूरा करने की कोशिश की, और वो दायित्व करेंगे। अब जैसे अनेक समस्याएं हो सकती हैं, किसी कारण वो पेंडिंग पड़ी रही हो, कोई कारण रहा होगा और उसके कारण वो पेंडिंग रही होंगी, लेकिन उनका समाधान तो होना था ना, क्यों नहीं करेंगे भाई? MLA रेस्ट हाउस बनना था तो MLA रेस्ट हाउस बनाने के लिए जगह चिन्हित कर दी, पैसा का बचा दिया, और 25 एकड़ जमीन बचा दी, और MLA रेस्ट हाउस के लिए MLAs के लिए पहले 2200 स्क्वायर फीट था, अब 2600 स्क्वायर फीट का प्लान कर दिया, 4000 पेड़ कटने से बचा दी, पर्यावरण की सुरक्षा, जनप्रतिनिधियों का सम्मान, और उनको उचित स्थान और उनके आए हुए अतिथि अपने क्षेत्र से उनको रुकने और रुकाने की व्यवस्था के जैसा प्लान कर दिया। MLA के लिए एक पहले बहुत सोसाइटी बनी थी, जब संयुक्त मध्य प्रदेश हुआ करता था तब उनके रहने के लिए आवास बने थे, हर MLA ने वो आवास परचेज किया था, और 50 लाख उस समय लागत थी, अब उसकी लागत 85 लाख कर दी। उनको भी समय पर हमने आवास नहीं मिले, इसके कारण थोड़ा सा नाराजी थी, जनप्रतिनिधियों के परेशानी थी, उसका समाधान कर दिया, उनको वो मिल गए। ऐसे एक मंदिर का प्रकरण था, उसके पास सब कुछ कागज, मंदिर की बात है, और रामेश्वर शर्मा सामने नहीं आए, ये संभव नहीं है? नहीं, मंदिर को भैया, अगर हिंदुस्तान में मंदिरों से लोगों को परिचय क्यों हो जाते हैं, मुझे समझिए, जब आपको भगवान की जरूरत पड़ती तो दोनों पैर घुटने टेक कर भगवान से माथा पीटते हैं, हे परमात्मा मेरी सुन ले, हे और जब और भगवान का जब काम आता है, नाम आता है, तो लोगों को डर क्यों लगने लगता है भाई? मंदिर की लैंड थी वो, और मंदिर की लैंड पे मंदिर नहीं बनेगा तो क्या बनेगा, दे दिया उसमें। आपको लगता है कि जो पूर्व अध्यक्ष थे विधानसभा के उनको ये विवाद पहले नहीं मालूम? मुझे नहीं मालूम कि लोग विवाद से डरते क्यों और विवाद का समाधान करते क्यों नहीं, मतलब डरते हैं वो जो पहले उस कुर्सी पे बैठे? नहीं मालूम, मैं तो विवाद का निष्पक्ष समाधान करना चाहता हूँ, और मैंने समाधान किया। 71 से उनके पास कागज थे, और 71 से कागज में मंदिर लिखा था, तो मैंने मंदिर को जमीन दी, क्या परेशानी? प्रोटेम स्पीकर के तौर पर जब आप निर्णय लेने जाते हैं तो कहीं सोचते नहीं है कि यार मेरे ये सब काम नहीं है, या फिर आपने इसको मतलब इस पे फोकस ही कर रखा था कि ये काम जो कोई नहीं है और अब वो तो हमको ही करना है? मैंने कोई ऐसा अंदर से सारी रचनाएं और सारा मेरा कोई अवलोकन पहले से नहीं था, जो काम सामने थे, जो पेंडिंग थे, जो पड़े थे, उनका समाधान करना ड्यूटी है। हर समस्या का समाधान, देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं ना, 40 साल 50 साल 60 साल से जो समस्याएं पड़ी उनका समाधान करो, अगर ये समस्याएं लंबी पड़ी रहीं तो ये समस्याएं एक दिन रोग बन जाएंगी, तो रोग नहीं बनने देना, समाधान करना।
जो मध्य प्रदेश की विधानसभा दूसरों के भविष्य के बारे में निर्णय करती है, मध्य प्रदेश की 8 करोड़ जनता के बारे में निर्णय करती है, वो मध्य प्रदेश की विधानसभा अपने परिषद के बारे में भी निर्णय करे, अपने सदस्यों के बारे में भी निर्णय करे, उनको भी सुविधा उपलब्ध कराए, जनता के लिए सुविधा उपलब्ध कराए, सरकार जो जन समस्याओं का निराकरण कर रही है उसको भी लोकव्यापी करे, सरकार की भी जय जयकार करे, उसमें क्या। चलिए, लेकिन अगर कोरोना काल में सदन स्थगित होता गया तब आप क्या सोचते थे कि ये कोरोना काल आपको कहीं ना कहीं, वो कहते हैं ना कि मोदी जी ने कहा कि चुनौती को अवसर में तब्दील, आपदा को अवसर में तब्दील करना है, तो ये आप पर भी लागू होता है? देखिए, कोरोना काल तो हम सबके लिए बहुत संकट और भयभीत था। इसके कारण तो ऐसे अनेक नहीं हजारों की तादाद में ऐसे लोगों का जाना हुआ जो हम लोगों के और सबके लिए, या खासकर जिनके परिवारों के पिता माता ये सब थे तो उनके जीवन के लिए बहुत बड़ा आधार थे। तो कोरोना काल तो भगवान कभी किसी को ना दे, ये तो एक ऐसा संक्रमण काल था और जिसने इसको भोगा है वही इसका दर्द महसूस कर सकता है। ये तो ऐसा संक्रमण, ये एक मानवता पर सबसे बड़ी विपत्ति थी कि बेटा बाप को स्पर्श नहीं कर पा रहा, जबकि रिश्ते तो बना ही इसलिए गए थे कि कोई भी वक्त हो, अगर जाने का भी वक्त हो तो भी बेटा का दायित्व तो बनता है कि वो अपने बाप की जवाबदेही पूरी करेगा। लेकिन इस कोरोना संक्रमण में उसको टच, बॉडी तक को टच नहीं कर पाए, तो ये तो एक तरह से ये कहे मानवता के लिए बहुत बड़ी त्रासदी थी। परमात्मा ये त्रासदी कभी ना दे, दुश्मन को भी ना दे, किसी को भी ना दे। प्रधानमंत्री जी ने ये जरूर कहा है कि ठीक है, परिस्थितियाँ आई हैं, हर परिस्थिति से लड़ना मनुष्य का ही काम है, हम ही को लड़ना और किस कौन को लड़ना, इसलिए सबसे लड़कर और लड़कर अपने सामाजिक दायित्व को निर्वाह करना, ये ही एक सबसे बड़ी होती है कि चुनौती को अवसर में बदलिए और वो मौका आए तो लोगों के हित में काम करने के निर्णय लीजिए। उसमें क्या, जब सर्वदलीय बैठक होती थी सदन को लेकर के, तो अपन क्या सोचते थे कि सदन स्थगित करने के लिए ही ये बैठक मोहर लगाई जाती थी, सरकार की यही मंशा रहती थी? क्योंकि कुछ आवाजें बाहर निकली हैं जो इस बैठक का हिस्सा थे कि नहीं भाई हमें रिकॉर्ड में चाहिए। हमने जो सर्वदलीय बैठक की है वो भी हमारे रिकॉर्ड में, और जिनने जो सदन बैठक में जो बोला है वो हम सार्वजनिक नहीं करते हैं क्योंकि सदन की ओर मारी मार रहा है। लेकिन गोविंद सिंह ने कुछ सवाल खड़े किए, नहीं ऐसे किसी के भी सबके सवालों के जवाब दिए, और हम दोनों दलों के नेताओं को जानते हैं, हम हाउस के नेता को जानते हैं और हम नेता प्रतिपक्ष को जानते हैं, बाकी सदस्यों को, और बाकी सदस्यों को जो वो सदस्य जो हैं वो दल के नेताओं के अंतर्गत हैं, दल के नेताओं के अंतर्गत हैं। और दल के अगर गोविंद सिंह जी जो नोटिस दल के नो दल के नेता ने जो निर्णय दिया है, मैं हम तो उनसे ही पूछना चाहते हैं क्या वो कमलनाथ जी से ऊपर हैं? माने आप ये कह रहे कमलनाथ की पूरी सहमति थी, क्या कमलनाथ जी से वो ऊपर हैं? अगर कमलनाथ जी पर हमला करना है तो उनको विधानसभा दिखती है, आपसे अगर कमलनाथ जी से लड़ना है तो दो दो हाथ सामने करो ना। तो कांग्रेस की आंतरिक लड़ाई को सदन का हिस्सा नहीं बनने देंगे। कमलनाथ जी जब कांग्रेस की चिट्ठी पर आए हैं कि वो नेता प्रतिपक्ष हैं, और जब तक वो नेता प्रतिपक्ष हैं तो दल के नेता से जब नाते बात होगी तो इधर सीएम हाउस सीएम साहब जो है ये सदन के नेता हैं, और नेता जो विपक्ष के नेता हैं वो कमलनाथ जी है, तो इन दोनों से ही चर्चा होती। माने जो दूसरे सदस्य हैं चाहे संसदीय मंत्री हो या कुछ हो, वो मायने नहीं, उनके पार्टी के नेता ने, हाँ पार्टी के नेता ने जो कहा, हम ये नई नई नेम प्लेट लगी है। यस, ये पूरी विधानसभा भवन है, वैसे तो ये भवन की पहचान बन गई है, पर अब मध्य प्रदेश विधानसभा लिखा है। मतलब आपने यहाँ पे भी अपनी पट्टी का एक याद लगाई, मेरा नाम कहाँ लिखा बताइए? नाम नहीं लिखा, मेरा नाम नहीं लिखा, ये तो राष्ट्रीय ध्वज के नीचे देश के सत्यमेव जयते जो प्रतीक चिन्ह है और उसके नीचे मध्य प्रदेश विधानसभा, ये तिरंगा इस संविधान की रचना ये भवन करेगा, और सत्यमेव जय की गुंजायमान ये देश और प्रदेश की जन वायुमंडल करेगा, और फिर ये ताकत बनकर तिरंगे के रूप में हम दुनिया में फहराने का काम। लोग ये कह रहे हैं कि रामेश्वर शर्मा जी ने वास्तु दोष एक तरह से इस तरह से दूर कर दिया, वास्तु दोष भी हटा रहे हैं, क्या वास्तु दोष भी हटा रहे हैं? वो है इसके माने वास्तु दोष है, हाँ है, दो तीन दिन रुकिए, दो तीन रुकिए, नहीं तो मेरे नहीं, इस डीएन में आप क्या कहेंगे, क्या कितना रुके, क्यों रुके? बात दोष है, उसको थोड़ा हल किया, थोड़ा और हल करें, अभी तक क्या हल किया? देखिए, भारत में हमारे जो पूर्वज थे वो वास्तु को मानते थे, हमें अगर देखो, आप भी गांव में पैदा हुए, मैं भी गांव में पैदा हुआ, पूर्व दिशा में तो मुंह करके हम जो है टॉयलेट भी नहीं करते थे, यही वास्तु है, ठीक है कि नहीं? यहाँ के सब तोड़े जाएंगे क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं तोड़े जाएंगे, लेकिन कुछ चूके हो गई हैं, उसमें सुधार किया जा रहा है, बिना खर्चे के
बिना तोड़ फोड़ के सुधार हो जाएगा। तो 22 के पहले ये सुधार हो जाएगा, काफी कुछ सुधार हो गया और सुधार हो जाएगा। तो थोड़ा सा इशारा करें ना सर, क्या कर रहे हैं बिना तोड़ फोड़ के? कर दिए ना, आप ही देखते रहो सब सब। ये तो इतिहास लिख दिया आपने, और भी सब चीजें ऐसे अनेक सुधार होंगे, सुधार जारी है। ये बड़ी बात कह रहे हैं सर, कई विधायक जो होया है ना, तो अब आप ये जैसे आपने कहा ना कोरोना, हाँ। हमारा कहना है कि कोरोना गोविंद सिंह जी को या किसी को भी कोई दर्द है, उनको तो हुआ नहीं है, लेकिन जो दांगी ने अपने परिवार का लाल खोया और हमने एक जनप्रतिनिधि खोया, कांग्रेस के ही जन विधायक थे वो, पर विधायक मेरी मध्य प्रदेश विधानसभा के थे और मध्य प्रदेश विधानसभा के विधायक होने के नाते मेरा परिवार का हिस्सा थे। उनने अपना जनप्रतिनिधि खोया राजगढ़ ने, और हमने हमारा एक भाई खोया, क्योंकि हमारे साथ सदन में बैठने वाला। कोरोना का दर्द क्या है वो जानते हैं, जिनको कोरोना हुआ वो जानते हैं। तो ये कोरोना को संक्रमण लेकर राजनीति नहीं है, कोरोना की गाइडलाइन बनाने का दायित्व तो मध्य प्रदेश सरकार पर नहीं है। कोरोना की गाइडलाइन जो है WHO से बनती है, भारत सरकार बनाती है, वो स्टेटों को भेजती है, स्टेट उन पर अमल और थोड़ा बहुत रिलैक्स और थोड़ा उसको, बहुत उसको लागू करना अपना दायित्व भी है और कर्तव्य भी है, तो वो निभा रहे हैं। तो सर आज भी क्या, अब 22 तारीख से जो सत्र, आज भी बताइए क्या फुल मेजोरिटी का हाउस लगा है, क्या लोकसभा लगी है, क्या फुल मेजोरिटी की लगी है, क्या उसमें भी दूर दूर दी है? तो सोशल तो क्या प्लानिंग है सर इस बार की, वो अध्यक्ष को करना है या प्रोटेम स्पीकर करके जाएंगे? नहीं, मैं करके ही जाऊंगा, हाँ। चिंता मत करिए आप। तो उसका क्या गणित होगा सर? अभी कुछ नहीं गणित ना, अभी बैठक बुलाई जाएगी और उसमें कहा जाएगा फुल, वो बैठक कब हो रही है तो बताएंगे दो सर? चार दिन में तय करते हैं, फुल मेजोरिटी के हाउस बुलाया जाएगा तो उसमें ये देखा जाएगा कि क्या क्या चीजों का पालन किया जाए, वो सबसे बातचीत करके तय करेंगे। ये तो बड़ी बात, लेकिन सर ये जो वास्तु दोष और ये सब है, ये प्रोटेम स्पीकर बोल रहा है उसका चिंतन मंथन है, एक पंडित जाग गया है? ना ना, पंडित जगाने की जरूरत नहीं, हम सब लोग राष्ट्रीय ब्राह्मण है, जो भारत की भूमि में जन्म जिसने लिया है वो राम की जो पूजा करना जानता है, कृष्ण की जो पूजा करना जानता है, महावीर की जो पूजा करना जानता है, गौतम बुद्ध की जो पूजा करना जानता है, गुरु नानक की जो पूजा पद्धति आराधना जानता है, जो भारत की गंगा के बहते हुए जल में किस तरह पैर डालना है इसकी पद्धति जो जानता है, पेड़ में लगे हुए फल को किस तरह संभाल कर रखना है, जो फूलों को तोड़ने में भी संकोच करता है और कैसे कब कब क्या क्या चीज़ का उपयोग करता है, तो भारत का आम नागरिक पंडित है। आम नागरिक यहाँ पांडित्य को लेकर ही पैदा होता है और इसलिए भारत का ये परम सौभाग्य है कि भारत में सब लोग इसी तरह के लोग हैं। अब ये बात अलग है कि कुछ लोग उसको रूढ़वादी या पोंगापंथी कहकर इस तरह नकारने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब वो दर्द उनके दहलीज पर आकर ठोकर मारता है और जब आदमी उससे भयग्रस्त होकर गिरता है, तब उनको लगता है कि भारत का जो धर्म कह रहा था वही सही है। और भारत के धर्म को मैंने नहीं, सबने स्वीकार किया है, भारत के धर्म को तो पूज्य महात्मा गांधी ने भी स्वीकार किया है, ठीक है कि नहीं? और भारत का अगर धर्म नहीं होता तो देश में 2700 साल पुराना पीपल का पेड़ नहीं मिलता। अगर पीपल का पेड़ 2700 साल पुराना इस देश की धरती पर खड़ा है आदरणीय राकेश अग्निहोत्री जी, तो वो धर्म के ही कारण खड़ा है। मेरे पूर्वजों ने कहा कि ऑक्सीजन देने वाला 24 घंटे वाला पेड़ है, अगर मैं इस पेड़ की महिमा जागृत नहीं करूंगा तो लोग कुल्हाड़ी लेकर इसके पीछे पड़ जाएंगे और इसे काट देंगे। लेकिन मैंने कहा कि पत्ता पत्ता वासुदेव है, ये पीपल के पेड़ में पत्ता पत्ता वासुदेव है, तो लोगों ने पीपल के पेड़ को काटने से रोक दिया। आज वो 24 आवर्स हमको जिंदगी दे रहा है, हमको ऑक्सीजन दे रहा है, उसको विज्ञान से भी जोड़ दिया आपने निश्चित रूप से। भाई तुलसी का पेड़ भी, तुलसी को यहाँ लोगों को बुरा लगता है, अरब की पूरी कंट्री तुलसी से बुखार भगा रही, उसमें क्या परेशानी? चलिए चलिए, पंडित तो ठीक है सर, लेकिन बात जब राजनीति में धर्म की आती है और उस धर्म में एक हिंदुत्व को लेकर के बात होती है, तो आप हिंदू हित की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात पीछे छूट जाती है। हिंदू हित ही हिंदुस्तान का हित है, हिंदू हित ही हिंदुस्तान का हित है। ये भवन है, बड़ा बड़ी अट्टालिका है, इस अट्टालिका का एक मालिक है, इसका मालिक जो है वो इस भवन की अगर सुरक्षा नहीं करेगा तो कौन करेगा? इस देश का, ये देश का नाम है हिंदू, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान नहीं हिंदुस्तान स्थान, ये हिंदुओं का स्थान, ठीक है कि नहीं? ये देश का नाम है, हिंद कुश्क पर्वत के आसपास की भूमि को हिंदू हिंदुस्तान नाम दिया, सिंधु शब्द सभ्यता में से हिंदू शब्द का जो है उच्चारण प्रारंभ हुआ। तो इस देश का जो वैचारिक मालिक है, सांस्कृतिक मालिक है,
धरातल का जो मालिक है वो हिंदुत्व है, और हिंदुत्व होने के नाते इस देश की नदी की चिंता उसको करना है, समुद्र की चिंता उसको करना है, पहाड़ों की चिंता उसको करना है, पेड़ों की चिंता उसको करना है, गौ माता की चिंता उसको करना है, मंदिरों की चिंता उसको करना है, निश्चित रूप से उसका दायित्व है। लेकिन बात जब राजनीति के मैदान में आती है तो कहा जाता है कि ये सब तो पीछे छूट जाते हैं, वोटों की चिंता करना है। क्यों आपका हर बयान हिंदू हित, अगर आप में औकात है ध्रुवीकरण की राजनीति, नहीं नहीं कोई नो ध्रुवीकरण, अगर आप में हिम्मत है कि आपको अपने पूर्वजों पर भरोसा है कि हाँ मेरे पूर्वज राम की औलाद थे, तो कहो अयोध्या में राम मंदिर बनेगा। हमारी तो औकात दो की भी नहीं थी, तब भी हमने कहा मंदिर बनेगा, 200 आए तब भी कहा मंदिर बनेगा, 317-19 हुए तब भी कहा मंदिर बनेगा, इसमें क्या ध्रुवीकरण। जिसमें दम है, हम हमारे बाप राम है ये डंके की चोट पर कहते हैं, कहते रहेंगे, ठीक है कि नहीं। ना हमने गुलामी बाबर की, ना हमने गुलामी अकबर की, ना हमने गुलामी हुमायूं की, इसलिए हम तो नहीं पूजेंगे। जिनके अंदर भय है, जिनके अंदर ध्रुवीकरण का भय उनमें है, उनमें भय, उनको तो मालूम है ना कि हिंदू बामन ठाकुर कुर्मी कहा लोधी गड़रिया अड़े अहरवार जाटब पंथी कबीर पंथी इनमें बटा हुआ है, इसलिए यहाँ तो जाति की बात की, वहां ध्रुवीकरण करने की कोशिश की। हमने ध्रुवीकरण नहीं किया, बावल लुटेरा था, लुटेरे के जो कलंक को धोएंगे, राम का मंदिर बनाएंगे, कोई ध्रुवीकरण नहीं। मंदिर बन गया, हिम्मत होती वो आओ, मंदिर तो बन गया रामेश्वर जी। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं, इस वक्त मोदी और शाह की भाजपा है, एक नए युग में राजनीति प्रवेश कर चुकी है, लेकिन राम मंदिर के तो एक आंदोलन को एक दिशा दी थी आडवाणी जी ने, बड़ा हिंदुत्व का नेता कौन, आडवाणी जी या नरेंद्र मोदी? नरेंद्र मोदी जी उस रथ के सारथी थे, उस रथ पर सवार अडवाणी जी थे, उस रथ को लेकर सोमनाथ से अयोध्या तक की यात्रा की थी, यात्रा में करने वाले सारथी के भूमिका में मोदी जी थे। मोदी जी, हमने अडवाणी जी का सम्मान, उनके मन की चाह, उनका उनका लोकाचार, उनने जो हमें पद्धति दी, कार्य पद्धति, उनने जो हमें व्यवहार दिया, उसको स्वीकार करते हुए नरेंद्र मोदी जी ने अडवाणी जी के सारे वो कामों को पूर्ण और फलीभूत किया जो कभी अडवाणी ने कहा था कि यहाँ तिरंगा फहराया जाए, 370 हटाई जाए, कोई नहीं हटा पाया, कम से कम एक मोदी जी आए तो हटा तो दी। हमारे तो देश की इज्जत पर कलंक था 370। तो इसको कैसे देखते सर, ये जो उपलब्धियां हैं यही तक बात सीमित हो जाती, या एक ऐसी नींव रखने जा रहे हैं अब मोदी और शाह की भाजपा और इस देश में कि जिसके आगे कुछ और ही बदलाव बड़ा देखने को मिलेगा? रखा गई 15 अगस्त 1947 को देश की आज़ाद हुआ था, आज़ाद भारत के लिए ये संकल्प था। बापू ने कहा था कि हम अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त होंगे, हम राम राज लाएंगे। बापू के राम राज का अब सार्थक पैगाम लेकर मोदी जी और अमित शाह जी की जोड़ी निकली है। अब हम राम राज की कल्पना को जमीन पर उतारने का काम निरंतर कर रहे हैं, और इसलिए उस दिशा में ये सरकार अपना दायित्व का निर्वाह कर रही है। क्या लगता सर आगे क्या होगा? सब कुछ तो हो गया है, कश्मीर हो गया, राम मंदिर हो गया, नई संसद की नींव भी रखी जा रही है, वहाँ भी काम शुरू है। कहते हैं कि सर अगला जो लोकसभा का चुनाव होगा मोदी जी राम मंदिर से दर्शन करके शुरू करेंगे और नई संसद में पहुँचेंगे और फिर एक नया संविधान, इस बात में कोई दम आवश्यकता या पूर्ण विराम? क्या करें, मक्का चले जाएं? नहीं तो अयोध्या में राम मंदिर है तो राम मंदिर ही जाएंगे ना भैया, मोदी जी ने तो राम मंदिर के सामने साष्टांग किए, भैया भगवान के ही तो पैर पड़ूंगा ना मैं। क्यों मेरे को नए संसद संविधान में बदलाव को लेकर के? कोई बदलाव नहीं है। अरे बापू ने जो राम कहा, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान में रामचरितमानस का राम दरबार का चित्र लगाया, जो राम दरबार का चित्र आदरणीय डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने लगाया है, वही रामराज की कल्पना को लेकर सारी जंग है, और उसी को जमीन पर उतारेंगे, सबका भला करेंगे, सबको सुख देंगे, सबको छत देंगे, सबको रोजी देंगे, सबको रोटी देंगे, सबकी बेटियों की सुरक्षा करेंगे, सबके सबकी शादी कराएंगे, सबके घरों में पक्के गैस, मतलब एक और विकास और एक बार धर्म का छोंका। नो नो नो, धर्म में ही विकास है, यही तो मेरा भारत का धर्म है। पर हित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदुमाई। राकेश जी यही मेरा धर्म है कि परित दूसरों का हित करो। मुझे बताओ चीटी वोट देती है क्या?
देती है क्या? देती है क्या? लेकिन हम हिंदू हैं, मैं सुबह घर से निकलता हूँ, दो मुट्ठी चूटे आटे की चूटी रह के लेके निकलता हूँ और चींटियों को डालता हूँ। वो तो मेरा जिंदाबाद का नारा नहीं लगाती, वो तो नहीं लगाती, वो तो वोट नहीं देती, उसमें कहाँ तुष्टिकरण है। अरे भैया, हमने तो परमात्मा ने हमको ये कहा है कि देखो तुम्हें मनुष्य बनाया है, मनुष्य बनाया तो कर्तव्यों का पालन करो। यही मनुष्य है, दो हाड़ मांस की है, ये हाड़ मांस अगर ठीक व्यवहार करेंगे तो मनुष्यता के आधार पर आगे बढ़ेंगे, और यही अगर राक्षस बन जाएंगे तो फिर राम को। लेकिन 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 कहते हैं कि रामेश्वर जी बहुत चिंतन मंथन करते हैं, पता नहीं उनके सलाहकार कौन है, उनके गजब के फैसले और गजब की टाइमिंग है। इस वक्त मोदी शाह के इर्द गिर्द घूम रही है भाजपा पूरा देश, और आप योगी जी के पास दस्तक देते हैं जाके, ये सेकेंड लाइन में जुड़ने की कवायद है क्या? फर्स्ट लाइन भी जुड़े हैं हम, सेकंड लाइन में, और सबसे बड़ी बात है कि विचारधारा की लाइन में जुड़ रहा हूँ, विचारधारा के जो है टर्निल में हम सब लोग डले हैं। योगी का व्यक्तित्व कैसे देखते हैं? गंगा के जल में हम लोग सब समाहित हैं, और इसलिए 6 दिसंबर को मैं अयोध्या गया था। 6 दिसंबर को अयोध्या इसलिए गया था क्योंकि 6 दिसंबर 92 की अयोध्या में मैं था, ढांचा टूटा था तब वहाँ था, तब बजरंगी था, और मैं राम भक्त प्रोटेम स्पीकर पहुंचा था वहाँ। क्यों प्रोटेम स्पीकर को? रामेश्वर शर्मा भी जाएगा, प्रोटेम स्पीकर भी जाएगा, क्या पाप है? पाप कर दिया तो बाकी लोग तो नहीं गए? नहीं गए, वो अपनी मर्जी, मैं तो जाऊंगा। वही तो है कि आप एक नई लाइन तैयार कर रहे हैं। मैं तो जाऊंगा, मुझे तो कोई है भैया, मैं राम का हूँ और राम पर भरोसा करता हूँ, और राम मेरा संविधानिक पुरुष है, और राम मेरा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया फैसले का पुरुष है, और उस फैसले के अनुसार अयोध्या में राम के दर पे तो जाएंगे। आप पहले भी गए फिर जाएंगे। बात योगी से तालमेल क्या है? सुना है सर मध्य प्रदेश में एक नई लाइन तैयार कर रहे हैं। योगी जी मध्य प्रदेश में नहीं, योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो साधु हैं, और साधु के दर्शन करना ये हमारी नैतिक ड्यूटी है। मध्य प्रदेश में बहुत साधु हैं सर, साधु है, साध्वी है, इस बहाने उनका दर्शन भी हुआ, और फिर अयोध्या में उनने अलौकिक विकास किया। अयोध्या में 5 लाख से अधिक दिए जलाए हैं उनने, सरयू के तट बनाए हैं उनने, अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनाने की कल्पना की है उनने, और इसलिए वहाँ जो मोदी जी के सपने को जमीन पर उतारने का काम आदित्यनाथ योगी जी कर रहे हैं, और फिर मैं दर्शन करने उनसे तो भविष्य का नेता, और उनने मुझे ये भी कहा कि काशी जाओ, वहाँ हमने काशी में 300 मकान, मथुरा नहीं बोला, मंदिर के साथ जाएंगे, मथुरा भी जाएंगे, भक्त आने दीजिए, मथुरा भी जाएंगे, चिंता मत करिए। कोई लाइन अंदर अंदर आप बढ़ा रहे हैं, बस मथुरा भी जाएंगे। हिंदुत्व की करने वाले मध्य प्रदेश में कमी है, रामेश्वर शर्मा एकदम सर हिंदुत्व की लाइन को आगे बढ़ा रहे हैं। नहीं नहीं सर, मैं तो पैदाइशी हिंदू हूँ, मैं दुर्घटनाइसी तो बहुत है, मैं दुर्घटना बस हिंदू नहीं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी है सर, मैं दुर्घटना बस हिंदू नहीं हूँ, मैं पिटाकुट के भाषा बदलने वाला हिंदू नहीं हूँ, मैं जब 6 वर्ष का था तब से मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में जाता हूँ, और संघ मेरे विचार में है, और संघ ने मेरे को कहा है अगर राष्ट्र को परम वैभव पर ले जाने का काम करो सर, और उसको लेकर कर रहे हैं, वही काम शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं, वही काम रामेश्वर शर्मा कर रहे हैं, वही काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, वही काम बीडी शर्मा कर रहे हैं, वही काम अमित शाह जी कर रहे हैं, वही काम योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं, वही काम राकेश जी आप करो। लेकिन रामेश्वर जी, जब शिवराज जी और योगी जी की तुलना होती है मुख्यमंत्री के तौर पर, तो शिवराज जी का एक सेकुलर चेहरा दिखता है। सेकुलर चेहरा नहीं, हाँ सेकुलर चेहरा इस बारी में नहीं है, इसके पहले तो था। काय का सेकुलर चेहरा? शिवराज जी ने हर हमेशा बेटियों का सम्मान किया, गुंडों की ठुकाई की। अरे बदल गए शिवराज जी? नहीं ना बदले, शिवराज जी जो थे वो हैं, उसमें क्या, पहले भी हमने गुंडों की ठिकाई की, पहले भी हमने माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की, और इसलिए पहले लव जिहाद में 3 साल की सजा थी, अब उठा के 10 साल कर दी, उसमें क्या परेशानी? बड़े सख्त फैसले किस ओर इशारा कर रहे हैं मध्य प्रदेश के? इस ओर इशारा कर रहे हैं स्पीकर और सीएम की नई जोड़ी कर क्या रही है? ये इस ओर इशारा कर रहे हैं कि शिवराज जी ने कहा है कि सुनो, जिस बेटी ने मुझे मामा कहा है उस बेटी के साथ छल, भेद, कपट, प्रलोभन, दबाव, भयवश, कूटनीति से बेटी के साथ शादी संबंध करने के बाद फिर उसको अगर मौत के घाट उतार के या बेटी को बेइज्जत करोगे तो मुगालते में मत रहना, जेल के सीकचों के अंदर भी रहोगे, कानून के डंडे भी खाओगे। ये शिवराज सिंह चौहान का राज है, ये नरेंद्र मोदी जी का राज है। एक आजकल ताजा मुद्दा आया है, शराबबंदी। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती की लाइन कुछ अलग दिख रही है और शिवराज अलग दिख रही है। एक शराबबंदी की बात है, एक नशाबंदी की बात कर रहे हैं। एक लाइन तो वो लाइन क्या है? एक ही लाइन है, हम चाहते हैं कि नशा मुक्त देश और प्रदेश बने। ये शिवराज की लाइन है? ये नहीं, यही उमा जी की लाइन है, यही शिवराज जी की लाइन है। तो भाई नशा केवल दारू से नहीं,
टोटल नशा पर उमा श्री भारती जी ने जब मुख्यमंत्री, उन्होंने यही कहा था कि नशा मुक्त प्रदेश बनाने के लिए जन जागृति करना है, क्योंकि नशा एक ऐसा है जब आदमी नशे में हो जाता है, चाहे किसी भी प्रकार का नशा हो, उस नशे से वो परिवार को तहस नहस कर देता है, उस नशे से उसके बेटा बेटी जो है बिलखने लगते हैं, पढ़ाई की किताबें जड़, जड़ नशा है कि शराब है? जड़ नशा है। और नशे माने जो उमा जी कह रहे हैं उसके आगे शिवराज सोच रहे हैं? नहीं, उमा जी ने जो कहा है वही शिवराज जी सोच रहे हैं, वही रामेश्वर शर्मा सोचेगा। उमा जी हमारी नेता है, कोई परेशानी नहीं। जो उनका उनका जागरूकता अभियान है उसमें दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत नहीं। उमा जी आप रहोगे उसमें? उमा जी के जनजागरण, अरे शिवराज जी भी रहेंगे। अंदर की बात बता रहे हैं? अंदर की क्या बात, उसमें क्या भाई, आज आप बताओ, आप नहीं रहोगे? आप चाहोगे लोग नशा मुक्त ना हो? प्रहलाद पटेल खूब चलाते थे। क्यों, सब चला रहे, हर साधु समाज चला रहे, आपको भी चलाना चाहिए, चैनलों को भी चलाना चाहिए, नशे के विज्ञापन बंद करना चाहिए। अरे भैया अफीम को शराबबंदी कर दो ना सर। अरे अफीम, ड्रग, तमाम ऐसे नशे हैं, इन नशों के खिलाफ हमको अभियान चलाना है। नाबालिग बच्चे बिगड़ रहे हैं सर, पीढ़ियां, शुरुआत शराबबंदी से नहीं हो सकती क्या? पीढ़ियां बिगड़ रही हैं सर। हमारा ये कहना है कि नशे के खिलाफ जन जागृति करके लोगों में अवेयरनेस खड़ी करके, और इसके लिए बाकायदा एक ब्लूप्रिंट तैयार कराया जा रहा है, इस पर तैयार होगी, स्कूलों में, कॉलेजों में, व्यापारियों में, सामाजिक स्तरों पर गोष्ठी, सामाजिक सम्मेलनों में, धार्मिक आयोजनों में, हर प्रकार के नशे के खिलाफ जनवायु मंडल जब तैयार हो जाएगा, जब मध्य प्रदेश उठ के खड़ा हो जाएगा कि अब प्रदेश नशा के खिलाफ अभियान चला रहा है, अब नशा नहीं चलेगा, तो सब प्रकार के नशाओं पर बैन लग जाएगा। माने लेकिन जो राजस्व की समस्या है सर, उससे कैसे हो जाएगी? इस पे हम कोई ज्यादा ये मन बना लिया है, हमारी सरकार इस सारे हमारी सरकार समाज सुरक्षा के लिए, हमारी सरकार प्रदेश की सुरक्षा के लिए, और इसलिए शिवराज जी हर हमेशा इस बात पे ध्यान रखिए आप। कई कई सरकारें आती हैं जो पैसे के लिए रोना रोती रहती है, लेकिन शिवराज जी की सरकार बनी, आप बताइए, क्या बेटियों का विवाह नहीं कराया उनने? क्या बेटियों को छात्र किसानों को, बच्चों को लैपटॉप नहीं दिए? क्या किसानों को फसल बीमा का पैसा नहीं दिया? क्या किसानों की जो है गेहूं नहीं खरीदा समर्थन मूल्य में? शिवराज जी के सब करते हैं, क्योंकि शिवराज जी ने ये तय कर रखा है कि गरीबों का भला करना, और गरीबों का भला करना, बेटियों की सुरक्षा करना, सबका साथ और सबका विकास का एजेंडा जो मोदी जी का है, जो अमित शाह जी का है, उस एजेंडे को लेकर, पार्टी का जो एजेंडा है उसी को लेकर हम और आप चल रहे हैं। क्या लग रहा है सर, समय कम है? एक साल 15 महीने की तो कमलनाथ सरकार हो चुकी, अब आपकी सरकार भी जो है वो एक साल पूरा करने जा रही है, समय कम है इस बार शिवराज जी के पास? कोई बात नहीं, फिर भी काम करेंगे। शिवराज जी तो सोते ही कहाँ, काम ही तो करते रहते। अच्छा, एक ये तो सोते हैं ना सोने देते, ऐसा ऐसा नेता ही नहीं देखा कि 24 जब तक दिन में 10-20 हजार लोगों से नहीं मिले तब तक नींद नहीं आती शिवराज सिंह चौहान जी को। इसलिए शिवराज सिंह चौहान जी 10-20 हजार लोगों से मिलना, हाथ मिलाना, उनकी समस्या सुनना और उस पर योजना बना के समाधान करना। प्रोटेम स्पीकर, आपने कहा कि 22 तारीख के बाद अब बिंदास दूसरे काम की ओर देखेंगे, विधायक तो है ही सर, 2 बार के भी हैं सर, कुछ नई भूमिका सत्ता से जुड़ी हुई देखते हैं, क्या लगता है सर, एक चिंतन मंथन संसदीय सचिव को लेकर किया जा रहा है? नहीं, ये भी कोई चिंतन मनन नहीं किया जा रहा है। देखो, जो काम दिया जाए, आप समझो, आप तो आप काम की लाइन खोलते हो सर, काम दिया नहीं जाए, आप तो काम की लाइन खोल रहे हो लोगों को। जो काम दिया जाए, जो बताया जाए, सो करो। संसदीय सचिव की कितनी व्यवस्था कारगर सिद्ध हो सकती है? एक स्पीकर की भूमिका हमें इसकी जानकारी नहीं है, अभी हमें इसका पता नहीं क्या है। लेकिन पटवा जी के कार्यकाल में तो संसदीय सचिव रहे हैं, इस लाभ के 2 पद में नहीं है, माने ये एक रास्ता एडजस्टमेंट का निकल सकता है सम्मान? वो उसकी अभी मुझे पूरी विधिवत जानकारी नहीं है, अगर ऐसा होता है तो वो सरकार लेवल पर ही डिसाइड होगा। फिर भी सर, आप क्या देखते हैं कि जो विधानसभा का मध्य प्रदेश का एक गरमामय इतिहास है, देखिए सर सामने विधानसभा है, अब आगे क्या उम्मीद रखते हैं? क्योंकि आप तो अभी पीठासीन अधिकारियों के कार्यक्रम में भी हुआ है, कहाँ पश्चिम, कहाँ गए थे? मैं गया था गुजरात में, जहाँ माननीय मोदी जी ने देश के लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की विशाल प्रतिमा लगाई, ट्रेन भी चली है और वो एक ऐसा स्थान है कि हर हिंदुस्तानी को उस स्थान को देखना चाहिए। वो गर्व का भी स्थान है और वो सफलता का भी स्थान है, और जब व्यक्ति कर्म करने का सोच ले तो जंगल और पहाड़ों के बीच में भी वो एक नया जो है सुंदर और खूबसूरती के साथ आनंद का शहर बसा सके। अपनी आगे क्या भूमिका देखते हैं आप, भाजपा के राष्ट्रीय प्रदेश उपाध्यक्ष भी रहे हैं, मेरी बात समझना सर, संगठन को बहुत करीब से देखा है, जिला अध्यक्ष का भी चुनाव लड़ा है, पार्षद से भी आगे बढ़े हैं,
बहुत कुछ राजनीति के चुनावी राजनीति को करीब से देखा है, आगे क्या भूमिका आपको अपनी नजर आ रही है सर? आप कह देंगे पार्टी तय करेगी, लेकिन आप क्या करना चाहते हैं? पार्टी जो तय कर दे वो काम पूरा करके दिखाओ ना, उसमें क्या परेशानी? संगठन की टीम आ चुकी है। हम हथियार ऐसे हैं, हर जगह इस्तेमाल होने वाले हथियार है। अकेले विधायक रहते हुए कोई सामाजिक सब कर लेंगे, सब कर रहे हैं। सरोकार की सियासत या राजनीति में कोई एक समाज सेवा को लेकर सब काम करते ही हैं और आगे भी करेंगे, कोई परेशानी। शिवरात्रि आ रही है, नजर आएंगे तो क्यों भगवान शंकर के द्वार पे नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? कोरोना काल में जब आपका वो निकलता है पूरा कोरोना, वो सब निकलेगा। कोरोना काल के जो मापदंड है, जो गाइडलाइन है, उसका पालन अगर कर रहे हैं, क्योंकि अब तो भारत सरकार ने बहुत जल्दी खोज की वैज्ञानिकों के आधार पर, और वैज्ञानिकों ने बहुत मेहनत की तब कोरोना के लिए टीकाकरण शुरू है, तो इसलिए हिंदुस्तान की जनता में एक तरह से विश्वास जागृत हुआ। सत्र आ रहा है, कहीं योजना तो नहीं है सभी विधायकों को टीका लगवाया जाए, अधिकारी लगाने लगे? अभी तो मुझे लगता है कि ये लाइन खोलनी चाहिए सर, विधायक लगाएंगे तो उनके फॉलोवर। आपका सुझाव है, इस पर देखते हैं, सब लोग बात करेंगे। सिर्फ विधायक या मीडिया भी लगवा देंगे? कुछ तो इतिहास आप लिख रहे हैं, तो विधायकों के अलावा मीडिया के लिए भी रास्ता खोलेंगे क्या? मीडिया के लिए तो सब खुला है, पूरा आकाश ही मीडिया का है। रामेश्वर जी चर्चा करें और कांग्रेस की बात ना करें, ये संभव नहीं है सर। मध्य प्रदेश में कांग्रेस कहाँ आकर खड़ी हो गई है सर? फिर निकाय चुनाव है, कहाँ खड़ी है? खड़ी है कहीं, कहीं है, कहाँ है, कहाँ होगी? कहीं ना कहीं तो होगी, अच्छा दल है, विपक्ष है। ये निकाय चुनाव जो सर, इसको लेकर के भाजपा की क्या रणनीति होना चाहिए सर? आपने तो चुनाव लड़े हैं। नीचे का बर्गर रणनीति में उतर गया है, योजनाएं संगठन में पदाधिकारी बना रहे हैं, जमीनी पर जिला इकाइयों को निर्देश उनके हुए हैं, पर सब अपनी अपनी तैयारी करें, फैसला जनता करती है। जिन लोगों ने आपको चुनाव जिताने में मदद की अब उनका समय है, तो विधायक अपने कार्यकर्ताओं को, अपने समर्थकों को आगे लाने की कोशिश करेंगे या कुछ और भी विकल्प पीढ़ी परिवर्तन में देखने को मिलेंगे? जो पार्टी डिसाइड करेगी उसे तय करेंगे। पार्टी की लाइन सर्वोपरि है, पार्टी फिर भी आपका विचार क्या है? पार्टी से ऊपर कोई नहीं है भाई, पार्टी भगवान है, भगवान से ऊपर क्या है, विचार क्या है, जो कुछ कहना होगा पार्टी के द्वार पे कहेंगे। सर एक बहुत गंभीर सवाल, पार्टी भगवान है। ये दौर पीढ़ी परिवर्तन का है भाजपा में। पुरानी पीढ़ी जो शिवराज सिंह चौहान के साथ के नेता थे वो तो जमे ही हुए हैं, पता नहीं उनको अगला टिकट मिलता है तो किस मिले, और जो नई टीम आ गई है इनके बीच में क्या होगा अब नई 2023 में? बाप बेटों के बीच में क्या होता है? बाप बेटों के बीच में क्या होता है? चाचा ताऊ के बीच में क्या होता है? अरे परिवार है, परिवार में सहजता से सब अपने पाले हुए लोगों को शाबाशी दे देकर आगे बढ़ा रहे हैं, और पाले हुए लोगों को जिनको आगे बढ़ा रहे हैं, जिनको नाती बेटे के नाते पाल पोस कर खड़ा किया है, उनका दायित्व बनता है कि वो अपने पुराने अतीत के जो नेता हैं उनका मार्गदर्शन लें, उनसे आशीर्वाद लें और उनके सहयोग से, उनकी कृपा से आगे बढ़ें, भगवान का पुण्य का काम करें। विष्णुदत्त शर्मा की भाजपा को किस तरह से देखते हैं ये? उस क्या उस मुहाने पर आके खड़ी हो गई है कि अब वाकई में युवा और ऊर्जावान चेहरों के लिए संभावनाएं तलाशी जा रही है? देखिए भारतीय जनता पार्टी सभी की संभावनाओं को लेकर पहले से करती आई है, अब आप देखिए ना, इसलिए हमारे दल में पूरे देश भर में आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा युवा नेता अगर किसी दल में आज कार्यरत है तो वो हमारे दल के पास है, और उसके पीछे का ये है कि हमारे उस समय भी अटल जी, अडवाणी जी, राजमाता जी, कुशाभाऊ ठाकरे जी, नई पीढ़ी तैयार की, निरंतर की। आज भाई उसी का तो परिणाम है कि आज हमारे पास तीन तीन चार चार बार का सीएम है, जो लोकप्रिय भी है और युवा भी है। तो ये जो लोग हैं, आदित्यनाथ जी हैं, उधर आप चले जाइए हरियाणा में चले, तो हमारे पास लोग हैं, गुजरात में चले जाइए, ये अच्छी बात है। और यही दायित्व होता है कि नीचे निरंतर वर्करों का कार्य, उनको विचारधारा के प्रति, उन्हें राष्ट्र के प्रति, राष्ट्र के प्रति निरंतर प्रशिक्षित किया जाए और निरंतर कार्य में लगाए रखा जाए। रामेश्वर जी कभी चुनाव लड़ने का मौका मिला तो क्या आप दिल्ली जाना पसंद करेंगे लोकसभा को लेकर के? भोपाल की चौकीदारी सबसे बेहतर, कहते हैं कि भोपाल से तो साहब हिंदू सम्राट ही चुनाव जीतता है। वो जो भी आएगा हम उसे हिंदू सम्राट जिता देंगे। मतलब आप जिताओगे, खुद जीतने की बात नहीं? नहीं नहीं, अपन तो भोपाल भाई, हमें दिल्ली दूर, मतलब हुजूर तक सीमित, दिल्ली दूर, हम दिल्ली तक नहीं, दिल्ली तक मतलब कोई इच्छा नहीं, कोई महत्वाकांक्षा नहीं। अपन जहाँ जिस लेवल के आदमी उस लेवल पे रहो ज्यादा बेटर, ज्यादा आसमान पे उड़कर जबरन जमीन पे गिरने का कोई काम नहीं। तो सर, हम तो जमीनी लोग हैं, जमीन पर रहते हैं, जमीन का काम यही लगे रहते हैं, यही सड़क बिजली पानी अपने लोगों से पर्चे चेहरों में लगे रहते हैं, इन्हीं में आनंद आता है। अब वो दिल्ली इतना बड़ा समुद्र में कौन जाए? तो बस चर्चा को विराम दें। पंडित रामेश्वर शर्मा जी ये बताएं कि एक
हिंदुत्व के नेता पर जो आपकी छवि बन रही वो आपको रास आती है, या फिर उसमें भी एक ब्राह्मण नेता के तौर पर आप अपने आप को स्थापित करने में रुचि रखते हैं? राष्ट्र का काम करिए, राम का काम करिए, ठीक है कि नहीं? और ये जो जातिगत व्यवस्थाएं हैं हिंदुस्तान को ये कठोर नुकसान पहुंचा रही है। चाणक्य ने भी ब्राह्मण था, पर चाणक्य ने अपना दायित्व तो निभाया राष्ट्र निर्माण का, और एक गडरिये के बेटे को पकड़कर, उंगली पकड़कर उसे देश का चंद्रगुप्त बनाया। हमारी आपकी नैतिक जवाबदारी है, जातिवाद नहीं, भाषावाद नहीं, प्रांतवाद नहीं, केवल राष्ट्रवाद और हिंदुत्ववाद, धर्म के आधार पर हिंदुस्तान को मजबूत करिए। ये देश बहुत दुर्भाग्य के दिन देख चुका है, ये देश के बहुत अपमान के दिन इस देश ने देखे, बहुत ने घटनाएं घटित हुई हैं, और इसलिए आज जरूरत है कि ये देश को एक साथ उठ के खड़ा करने की, जातिगत व्यवस्थाओं में नहीं, हिंदुत्व और राष्ट्रित्व व्यवस्था के अंदर। राम ही राष्ट्र है और राष्ट्र ही राम है, सारी सृष्टि राम की। आरोप लग रहा है राम मंदिर तो वैसे ही बन रहा है, सब चंदे के नाम पे गोलमाल हो रहा है। अगर ऐसे कुछ मूर्ख कह रहे हैं, उनके पास प्रमाण है एक, और अगर प्रमाण है तो अब क्यों भय और डर के कारण मंदिर के लिए चंदा दे रहे हो? आपके लोग जाकर थैली फैला के चंदा मांग रहे हैं सिंह की ओर इशारा कर। अरे कई भी सिंह है, कोई भी है, क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपको समझ में आ गई कि अब हिंदू कील ठोक देगा। अब आप मंदिर का विरोध करके देखो, पता नहीं चलेगा कि राजनीति कहां से शुरू की थी और कहां खत्म हो गई। इसलिए ध्यान रखो, केवल राम का विरोध, हर हमेशा ताला टूटे तो विरोध, भूमि पूजन करने जाएं तो विरोध, कार सेवा करने जाएं तो विरोध, ढांचा टूटे तो विरोध, केवल राम और हिंदुत्व का ही विरोध करने के लिए पैदा हुए हो क्या? और इसलिए अब इस मुगालते में मत रहना, ये दौर बदल चुके हैं, वर्षों और शताब्दी के